दोस्तों, भारत लंबे समय से यूएन का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर कई देशों ने समय समय पर अपनी सहमति भी जताई है और भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाए जाने को लेकर अपील भी की है। वहीं देखा जाए तो भारत इसके लिए पूरी तरह से योग्य भी है और अगर भारत यूएन का स्थायी मेंबर बन जाता है तो इससे यूएन की इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ेगी। अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि रशिया ने भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाए जाने को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। रशिया ने भारत को लेकर क्या कहा है, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी से जनरल इलेक्शन शुरू हुए हैं। इसको लेकर वोटिंग के दौरान पार्टियों के बीच सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है और इस वक्त पाकिस्तान में वायलेंस पीक पर है। इसको देखते हुए यूएन ने पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। इसके ऊपर भी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में समय क्या चल रहा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कि इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। यूएन के 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। यूएन के परमानेंट मेंबर्स में चीन, फ्रांस, रशिया, यूके और अमेरिका शामिल है। भारत भी लंबे समय से यूएन का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर किसी डिसीजन को भारत भी इफेक्ट कर सके। इसको लेकर रशिया भी लंबे समय से भारत का फुल सपोर्ट आ रहा है और अब एक बार फिर से रशिया ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। वहीं भारत ने भी रशिया का साथ कभी नहीं छोड़ा है। यहां तक कि जब बाकी के देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए थे, तब ऐसी सिचुएशन में भी भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था। यही वजह है कि रशिया भी भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अब रशिया ने कहा है कि भारत और ब्राजील की परमानेंट सीटों के लिए मांग बिल्कुल जायज है और वो इसकी पूरी तरह से समर्थन करता है। यूनाइटेड नेशन में रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि यूएन में सुधारों की बात की जा रही है, ऐसे में भारत को सही पोजीशन दिलाने के लिए हम काफी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूएनएससी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व का एक्सपेंशन करना जरूरी है। अगर एक्सपेंशन करने का डिसीजन लिया जाता है तो ब्राजील और भारत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हम इन दोनों को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए सपोर्ट करेंगे। बता दें, रशिया की तरफ से लगातार यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर सपोर्ट किया जा रहा है। कई बार रशिया की तरफ से ये साफ कहा गया है कि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया में इम्पोर्टेंट पावर है। दोस्तों, हो सकता है कि चीन इसमें एक बड़ी रुकावट बने, क्योंकि चीन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बने। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स में अकेले चीन ही ऐसा देश है जिसने अभी तक भारत की मेंबरशिप को लेकर कुछ नहीं कहा है, वरना बाकी के 4 मेंबर्स अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस कई बार भारत की मेंबरशिप को लेकर अपनी सहमति दे चुके हैं। ऐसे में आगे चलकर अगर यूएन का एक्सपेंशन होता है तो बाकी के 4 देशों का सपोर्ट तो भारत को मिल जाएगा, लेकिन चीन वीटो पावर का यूज करके भारत को परमानेंट मेंबर बनाने से रोक सकता है। हालांकि अब चीन के लिए भी ये आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार प्रेशर यूएन के ऊपर पड़ रहा है और इसके एक्सपेंशन की बात लगातार जोर पकड़ रही है। यूएन में बदलाव को लेकर लगातार मीटिंग्स भी चल रही है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बना लिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। दरअसल यूएन ने पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। पाकिस्तान में इस वक्त जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते हुए वायलेंस को देखते हुए यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के अगेंस्ट हुए सभी तरह के वायलेंस की हम निंदा करते हैं और रिलेटेड अथॉरिटीज ये मेक श्योर करे कि पाकिस्तान में मीनिंगफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए फंडामेंटल फ्रीडम बनी रहे, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के लिए वोट काउंटिंग डिस्टर्ब हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के दौरान बहुत सारे बैलेंस देखने को मिला है। वोटिंग शुरू होने के 3 घंटे बाद ही पॉलिटिकल वायलेंस की खबरें सामने आने लगी। वहीं पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। वहीं इससे पहले अलग अलग हुए बम विस्फोटक में 29 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। इसके बाद ऑफिसर्स ने पाकिस्तान में मोबाइल फोन से रिलेटेड सभी सर्विसेज को बंद कर दिया था। वहीं पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान हुए वायलेंस की अमेरिका ने भी काफी निंदा की है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने इलेक्शन के दौरान मोबाइल सर्विसेज बंद करने को ह्यूमन राइट के अगेंस्ट बताया है, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज बंद करने की वजह से वोट करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी तक वोटिंग के दौरान पाकिस्तान में 51 अटैक्स में 10 सिक्योरिटी गार्ड सहित
कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं 39 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए अब यूएन ने भी पाकिस्तान से पीसफुली एनवायरनमेंट बनाने के लिए कहा है। यूएन ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान में सभी कैंडिडेट्स और सपोर्टर इंश्योर करे कि किसी के भी ह्यूमन राइट्स का एबोलिशन ना किया जाए और किसी भी डिस्प्यूट को लीगल प्रोसेस के थ्रू ही सॉल्व किया जाए। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस कम होगा या नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।